हरिद्वार में चल रहे पंचायत चुनाव को बीजेपी गंभीरता से ले रही है। पूर्व में बीजेपी ने अभी भी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इस बार बीजेपी के सभी बड़े नेता पंचायत चुनाव के लिए हरिद्वार में जुटे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेताओं ने हरिद्वार में एक बैठक की और चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान जिले में विधानसभा हारे हुए सभी प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि हरिद्वार में दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और अपना अध्यक्ष भी बनाएंगे। दूसरी ओर सांसद निशंक ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए पंचायत चुनाव में भी जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। देखिए, अभी हमने प्रत्याशी घोषित किए थे, उन सबसे हमारी वार्ता हुई है। चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से क्या क्या करना चाहिए उस पर चर्चा हुई है। अभी हमारी दो बैठकें अभी और हैं, शाम को 6 बजे हमारी बैठक होगी और कल परसों लगभग जब तक ये नाम का वापसी का विषय है तब तक लगातार हमारे सब कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हो सकता है कि किस कारण पर नामांकन कर रहे हैं, उनको उनसे बातचीत करने के कैसे उनको हम पार्टी के पक्ष में बिठा सकें, इस संबंध में रणनीति, इसके अलावा भी कोई दूसरा विषय नहीं है। और जिस प्रकार का माहौल है, मैं कह सकता हूँ 2/3 बहुमत से हमारे जिला परिषद जीतेंगे और हमारा अध्यक्ष बनेंगे। वो सभी लोग आज यहाँ पर हैं, हमको भरोसा है जब दिल्ली में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है, तो हरिद्वार के जो जिला पंचायत पर पहली बार ऐसे सशक्त सरकार हम बनाएंगे कि लोगों को इस पर गर्व होगा। हम हर एक सीट को जीतेंगे। पूरा हरिद्वार का माहौल बदला हुआ है, हर व्यक्ति को लगता है कि क्यों जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं हम इस जिले में बीजेपी की सरकार बनाएंगे।